गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो यस्टरडे व्हाट वी हैव डन विद द चैप्टर यूनिट नंबर 10, थ्री बिजी वर्कमैन। सो टुडे वी विल डू, आवर टॉपिक इज प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब क्या होता है, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू रेगुलरली और थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू। अब वो कहने हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, हम इसके बारे में बताएं तो क्या कहते हैं, जो डेली रेगुलरली जो हम बातें कर रहे होते हैं, जो अभी चल रही होती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। प्यारे बच्चों, फिलहाल रोज़मर्रा की चीज़ों के मुतल्लिक बात करते हैं, कि जो रोज़ हर डेली रूटीन में जो बात होती है और इन चीज़ों के मुतल्लिक बताते हुए जो हमेशा आम सच्चाई हैं, हम फिलहाल प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जो काम चल रहा हो उसके बारे में जो हम बताते हैं वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कि जो काम हम कर रहे हों या जो काम हमारा चल रहा हो उसको इन शॉर्ट क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। द सन डैश इन द ईस्ट। अब इसमें क्या आ जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखें ये काम अब क्या कर रहा है, अभी चल रहा है, हो रहा है काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। द स्टार्स कम आउट एट नाइट। अब ये काम चल रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो काम क्या हो रहा हो, रोज़मर्रा की चीज़ों के मुतलिक जो हम बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई डैश एन एप्पल एवरी डे। अब हम क्या करते हैं, हम खाना रोज़ खाते हैं, तो ये डेली रूटीन में हमारा चलता आ रहा है, सो वट इज़ दिस कॉल्ड, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। शी डैश अप्स एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। शी वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब वो क्या होता है कि वो डेली 6 o'clock सुबह उठ रही है, जो काम चल रहा हो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपको टीचर ने एग्जाम्पल बताई हैं, सो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब वो क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स शो फैक्ट्स विच आर ऑलवेज ट्रू। अब आपको टीचर ने क्या बताया कि जो उन्होंने कहा है, अब वो आपको इधर बताने हैं कि जो एग्जाम्पल दिए हैं, अब वो क्या हो रहा है, काम हमेशा चल रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट टू एग्जाम्पल शो अ रेगुलर एक्शन। अब देखें फर्स्ट टू सेंटेंसेस में उन्होंने क्या बताया, जो काम डेली हो रहा है, जो है सूरज डेली निकलता है, तारे भी डेली रात को निकलते हैं, तो वो क्या है, डेली काम चल रहा है। और जो लास्ट टू सेंटेंसेस हैं उसमें रेगुलर एक्शन बताने हैं, जो डेली काम कर रही है, जैसे वो कि डेली हम खाना खाते हैं, डेली हम सुबह उठते हैं। लुक एट द वर्ड्स इन कलर अबव, दीज आर वर्ब्स, दे टेल अबाउट एक्शंस। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया, ये जो वर्ब्स जो अंडरलाइन नहीं है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉल्व किए हैं, अब वो क्या हैं, दीज आर वर्ब्स। अब ये क्या कर रहे हैं, ये हमें एक्शन शो कर रहे हैं। रिकॉल थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यू हैव लर्न बिफोर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेंसेज। अब हमने वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स की हैं, जैसे कलर, कलर्ड, कलर्ड है। अब उन्होंने कहा है कि आप उसको याद करें, वो भी क्या कहलाती हैं, टेंस कहलाती हैं। ओके, हमने वर्ब्स की थ्री फॉर्म की हैं, हमने चैप्टर में भी की हैं, तो वो क्या कहती हैं, वो भी क्या कहलाती हैं, वो भी टेंसेस कहलाती हैं। द कलर्ड वर्ब्स अबव आर इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब जो हमने एग्जाम्पल में क्या किया था, राइजेस किया था, कम किया था, ईट किया था, वेक्स जो हमने सॉल्व आउट किया, अब वही बताने हैं कि ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो अब आपको उसकी समझ आ गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब वो इसमें क्या कहने हैं, प्यारे बच्चों, इस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते है वगैरह आता है। अब उन्होंने क्या बताया कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो इसकी पहचान है ना, आइडेंटिटी, वो क्या है, इसके आखिर में हमेशा आता है, ता है, ती है, ते है आता है। ही शी नेम या किसी, यानी फारूक, सितार वगैरह के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इजाफा किया जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं, नेम जो ही शी या नेम किसी का भी नाम है, उसमें क्या आता है, वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म के साथ क्या आता है, का इजाफा किया जाता है। ओके, और उन्होंने नेक्स्ट क्या बताया है, आई वी। अब आपने क्या लिखना है कि इस टेंस में क्या यूज, आप ये बस कुछ बातें याद रखेंगे ना तो आपको टेंस बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आता है, ता है, ती है, ते आता है। ठीक है, ही शी इट नेम के साथ क्या आता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम काल का इजाफा किया जाता है। आई वी दे यू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस या एस का इजाफा किया जाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, आई वी दे यू के साथ क्या कहते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा देते हैं।
और वो ही शी ने